ये है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट है 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और जो सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो हम ये बताते हैं कि जो x वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। ठीक है, जो भी x वाली टर्म है जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। अब उसके जो साइन चेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एक तो वो ध्यान में रखने वाली चीज है, वो भी बेहद आसान है। दूसरा, जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना तो हम इसका आंसर निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो आंसर लिखने के भी दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जिसमें मैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की फॉर्म में बताता हूँ। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने सेट थ्योरी जो हमने सेट्स पढ़ा था अगर वो आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो भी मैं इसमें बड़े आराम से समझा दूंगा उसको, और अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आप समझ ही जाओगे। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा सॉल्यूशन का तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अब हो सकता है आपके स्कूल में नंबर लाइन पर बताएं या इंटरवल वाले मेथड पर बताएं, मैं तो दोनों मेथड से बताऊंगा। तो आपके स्कूल में जिस भी मेथड से बताया जाए मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, आपको दोनों ही समझ में आ गए और दोनों बेहद आसान। देखो पहला तरीका, एक फंडा जो दिमाग में बिल्कुल फिक्स बिठाना है हर बच्चे को कि जो भी एक्स वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। ठीक है, पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है 2x माइनस 4, इस माइनस 4 को उधर ले जाओ, 2x is less than equal to 4 हो गया। अब क्या करिए, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड, तो x is less than equal to 4 upon 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x is less than equal to 2 आ गया, x is less than equal to 2। एक तो इसको बॉक्स में इंक्लूज कर दिया, ये सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। इन इक्वेशन का मतलब ये है एनीथिंग विच इज नॉट इक्वल, जो इक्वल होती है उसको तो बोलते हैं इक्वेशन, जो इक्वल नहीं होती तो वो क्या होगी, या तो लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, तो उसको बोल देते हैं इनइक्वेशन। तो आप ये देखिएगा कि यही इसका सॉल्यूशन है, x is less than equal to 2। एक तो ये हो गया जो इनइक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, फिर दूसरा नंबर लाइन पर कैसे बताना है। नंबर लाइन जब भी बनाएंगे तो नंबर लाइन पर दुनिया के तीन ही डिजिट होती है जो लिखी जाती है, क्या राइट साइड में प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी और बीच में जीरो, ये नंबर लाइन है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे इन तीन चीजों के बाद जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो नंबर नजर आता है वो यहाँ पर देखो, इसमें क्या नंबर नजर आ रहा है, 2, तो 2 कहाँ पर लाई करेगा, इस तरफ 0 से आगे, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, इस तरफ आप ऐसे मेंशन कर दो 2। अब है x जो है वो 2 से छोटा छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 2 पर एक गोला बना दोगे ऐसे, 2 पर एक गोला बना दोगे और फिर इससे पीछे वाला जितना भी पोर्शन है माइनस इंफिनिटी तक पूरे को डार्क कर दोगे। ठीक है, पेंसिल से करेंगे और पूरे को डार्क कर देंगे। इसका मतलब ही क्या है कि x जो है वो 2 से छोटा छोटा है, लेकिन सिर्फ छोटा नहीं है, छोटे के साथ साथ इक्वल भी है। तो जब इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, तो आप इस 2 को भी डार्क कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गई, ऊपर एक बबल बनाकर उसको डार्क कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है x is less than equal to 2। बताइए इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो जी, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, एक तो ये तो हर बच्चा करेगा, हर स्कूल का हर टीचर आपको ये चीज तो बताएगा ही बताएगा। फिर हो सकता है कुछ टीचर नंबर लाइन बताए तो नंबर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, और हो सकता है कुछ टीचर आपको बताए कि आपको ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो हम कहेंगे ठीक है जी, वो भी चलेगा आपने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक आंसर तो ये हो गया, मैं लिख रहा हूं इधर, एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और तीसरा आंसर क्या होगा, वो जो सेट थ्योरी में इंटरवल बताए गए थे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है वो 2 से छोटा छोटा है, तो मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। माइनस इंफिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट मतलब
भाई कोई भी टर्म माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकती, और ये जो प्लस का टू है इसके आगे मैं लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से टू का मतलब क्या है, ये जो मेरा एक्स है वो माइनस इंफिनिटी और टू के बीच में लाई कर रहा है, वेयर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। हमेशा याद रखना, ना तो प्लस इंफिनिटी पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है और ना ही माइनस इंफिनिटी पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर टू इक्वल है, क्योंकि टू शामिल है, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अगर सिर्फ लेस देन टू होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ही लगाता। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हर्षित, देवशी, कृति, दीपांशी, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अर्जुन, आस्था, भव्या, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट के बाद अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में है माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज लेस देन जीरो। माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज लेस देन जीरो। मेरा फंडा याद रखना है कि एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, ठीक। एकदम से मन में ये आता है कि अरे माइनस थ्री एक्स है इसको उधर ले जाओ, देखो उधर ले जाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस लकीर पर चलते रहना, गलती नहीं होगी। हमने कहा माइनस थ्री एक्स इधर है, लेस देन इस प्लस ट्वेल्व को उधर ले जाओ, माइनस ट्वेल्व होगा, ठीक है। अब 90% बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, जिन्हें ज्यादा जल्दी रहती है वो क्या करते हैं, इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, काट देते हैं। काटना मत, गलत हो जाएगा। काटा हमेशा इक्वालिटी में जाता है, ठीक है। एक्चुअली इक्वालिटी में भी नहीं काटा जाता। अब आपको एक फंडा बताता हूँ, याद रखना हमेशा। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा चेंज इन द साइन थ्रू आउट, और इक्वालिटी में भी ऐसे ही किया जाता था, जो आपको अब तक नहीं बताया गया वो अब बताऊंगा। चेंज इन द साइन थ्रू आउट, थ्रूआउट का मतलब ये जो इनइक्वेशन है इसमें तीन चीजें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक इनइक्वालिटी साइन, एक राइट हैंड साइड। तीनों के साइन बदल दो, ये माइनस थ्री एक्स है तो बेटा ये हो गया प्लस का थ्री एक्स, ये लेस देन है तो ये हो गया ग्रेटर देन, ये माइनस ट्वेल्व है तो ये हो गया प्लस ट्वेल्व। ऐसा मैंने क्यों करा, मुझे क्या जरूरत पड़ गई साइन बदलने की, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और x वाला टर्म मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे इसका साइन बदलना था। माइनस 12 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाला टर्म मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए, वो नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने साइन चेंज करा, तो साइन एक का नहीं करूंगा, थ्रू आउट करूंगा। अब आप देखो, अगर कभी भी ऐसा होता था माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, आप क्या करते थे, माइनस से माइनस काट देते थे, ठीक है, तो काटा जा सकता है इक्वेशन में, काटा जा सकता है। पर होता क्या था, वहां पर भी तीन चीजें, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वालिटी साइन और राइट हैंड साइड, तो तीनों के साइन चेंज करेंगे। ये 2x है और ये जो इक्वालिटी साइन है, इस इक्वालिटी साइन को अगर पलट भी दोगे ना, अगर इसको पलट भी दोगे तो भी ये इक्वालिटी साइन ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस 12 है, ये इसका साइन पलट दोगे, चेंज कर दोगे तो प्लस 12 हो जाएगा, और फिर हम बोल देते थे 2 6 12, तो x की वैल्यू 6 होगी, समझ गए। तो इसी तरीके से इक्वालिटी में भी थ्रू आउट साइन बदले जाते हैं और इनइक्वालिटी में भी थ्रू आउट साइन बदले जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना कि माइनस से माइनस काट दिया, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस 3 को ले जाओ उधर, तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 12 अपॉन 3, 3 1 3, 3 4 12, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। आप चाहो तो 3 से 12 को ऐसे भी काट सकते हो, 3 4 12, ठीक है। एक रीजन है जिसकी अभी 11th क्लास में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 12th क्लास में जरूरत पड़ेगी। ये इक्वालिटी में इस तरह से काटते नहीं है, इस वजह से मैंने वो बताया नहीं आपको, लेकिन अगर आप काट भी दोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा और आंसर गलत नहीं होगा, ठीक। तो x ग्रेटर देन 4 हो गया, x 4 से बड़ा है, एक आंसर तो ये आ गया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, तो नंबर लाइन पर सबसे पहले राइट साइड में इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी, बीच में 0, नंबर लाइन बन गया। फिर उसके बाद बनाऊंगा 4, तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं आएगा 4। अब x क्या है, x 4 से बड़ा बड़ा है, तो जो 4 है 4 पर एक आप गोला बना लो ऐसे बबल, और इसके आगे वाला पोर्शन इंफिनिटी तक पूरा ये आप शेड कर दो, ये मैंने पूरा शेड कर दिया,
ठीक है, क्या मुझे ये जो फोर पर मैंने बबल बनाया है क्या मुझे इसे भी शेव करना होगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन फोर है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर नहीं है। अगर फोर के बराबर भी बराबर होता तो फिर मुझे इसे भी शेव करना होता। ये बात सबको समझ में आ गई? यस यस सर। ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया नंबर नाइन वाला, एक आपका ये आंसर हो गया, और तीसरा आंसर क्या है कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 4 से इंफिनिटी, तो 4 कॉमा इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी। इंफिनिटी के इक्वल तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो स्मॉल ब्रैकेट, और 4 के इक्वल भी कहां है, 4 से बड़ा बड़ा है, 4 के इक्वल नहीं है, तो 4 पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जब कोई भी नंबर लेस देन के साथ में इक्वालिटी साइन या ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी साइन होता है तब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं, नहीं तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। चलिए जी, ये सेकंड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट के बाद में देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 4x - 12 is greater than equal to 0. 4x - 12 is greater than equal to 0. तो x वाले को इधर रखना है, बाकी दुनिया को ले जाओ उस तरफ, माइनस 12 को उधर ले गए। 4x is greater than equal to 12, x is greater than equal to 12 by 4, these are 12, x is greater than equal to 3, ये हो गया, एक आंसर ये आ गया। नंबर 9 बनाएंगे, मिटा रहा हूं, नंबर 9 बनाएंगे, ये हो गई प्लस का इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये बीच में हो गया जीरो, और थ्री कहां पर आएगा? थ्री आ गया इधर, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, थ्री से बड़ा बड़ा, तो थ्री पर एक बबल बनाओ और आगे का पोर्शन शेयर कर दो, आगे का पोर्शन शेयर कर दो, कर दिया, लेकिन वो तो थ्री के इक्वल भी है, तो थ्री का जो ये बबल बनाया है इसको भी पूरे को डार्क कर दो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा आंसर क्या है, x जो है वो 3 से बड़ा बड़ा है, तो x belongs to 3 से infinity तक, तो 3 comma infinity, कोई भी number infinity के बराबर तो नहीं हो सकता, तो small bracket लेकिन ये 3 के बराबर है, तो 3 पर क्या लगा दूंगा? square bracket। बताइए, clear? Yes sir। कृति, समझ में आ रहा है? Yes sir। अंश, बताइए? Yes sir। ठीक है जी, उसके बाद में देखूंगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7x plus 9 is greater than 30. 7x plus 9 is greater than 30. x वाली टर्म इधर रखे, बाकी दुनिया कहीं भी चली जाए, तो 9 को इधर ले गए, तो 7x is greater than 30 minus 9. 7x is greater than 21, x is greater than 21 upon 7, 7 1 is 7, 7 3 is 21, x is greater than 3, एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा, बना लीजिए, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 0, इधर हो गया 3, तो 3 पर एक बना लो आप बबल, और 3 से बड़ा बड़ा, तो 3 के आगे वाला पोर्शन आप शेड कर दीजिए, ठीक है, आगे वाला पोर्शन शेड कर दिया, क्या 3 इसमें शामिल है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? हम कहेंगे नहीं, तो इसका बबल बना रहने दो, डार्क मत करना फिर उसको, क्योंकि 3 जो है इक्वल में नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओगे? x belongs to curly bracket 3 infinity curly bracket, कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, आई मीन या सॉरी, ठीक है, तो अगला आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर इंटरवल्स की फॉर्म में x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी, तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है और 3 से बड़ा बड़ा इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये चार पार्ट्स थे एग्जांपल नंबर 1 के, उसके बाद देखेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 नोट करेंगे, सॉल्व So, 5x minus 3 is less than 3x plus 1.
solve 5x minus 3 is less than 3x plus 1 when first part and x is a real number. Our second part is x is an integer. X is an integer. Our third part is x is a natural number. X is a natural number. देखिए इस क्वेश्चन में तीन अलग अलग क्राइटेरिया मेरे को दिए हैं. हमेशा याद रखना ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये वाला जो हम लिखते हैं, ये वाला है ना, ये जो हम लिखते हैं x बिलोंगिंग टू, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल वाला जो हम लिखते हैं, तो ये हमेशा लिखा जाता है जब नंबर रियल होता है, रियल नंबर के केस में. ये नेचुरल नंबर के या इंटीजर के केस में नहीं लिखा जाता. ठीक है, इसका मतलब ये है 3 कोमा इंफिनिटी के, 3 और इंफिनिटी के बीच के तमाम जितने भी नंबर है वो सारे नंबर आ जाएंगे. लेकिन अगर ये इंटीजर होता तो इंटीजर में ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि इंटीजर में मुझे पता है 3 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 5 ही आता है, तो बीच वाले नंबर नहीं आते इंटीजर में. 3 के बाद एग्जैक्टली 4 आएगा, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते. सिमिलरली नेचुरल नंबर में भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते. खैर पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. जो इनइक्वेशन दे रखी है, पहले तो मुझे इनइक्वेशन ही सॉल्व करनी है सिर्फ. क्या दे रखा है, 5x minus 3 is less than 3x plus 1. अब इस 3x को इधर ले आओ, तो 5x minus 3x और इस minus 3 को उधर ले जाओ, तो plus का 3 plus 1, 5x minus 3x कितना हो गया, 2x is less than 4 हो गया. अब इस 2 को नीचे ले जाओ, तो x is less than 2, 1 are 2, 2 is 4. तो x is less than 2 ये आ गया हमारे पास finally, x is less than 2. अब सबसे पहला उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने first part में दिया है कि x is a real number, कि x हमारा एक real number है. तो जब x real number दे रखा होगा तो तब क्या करेंगे, देखिएगा first part है, जब x real number है तब मैं एक number line बनाऊंगा, यहाँ इधर लिखूंगा infinity, इधर लिखूंगा minus infinity, यहाँ 0, इधर मेंशन करूंगा 2. वो 2 से छोटा छोटा है तो ऊपर एक बबल बना दिया, और 2 से छोटा वाला जितना भी पोर्शन है उस पूरे को मैंने शेड कर दिया. और क्या 2 को शेड करूंगा मैं, बताओ? नहीं करेंगे. नो सर, 2 को शेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये वाला साइन नहीं है. होता तो 2 को शेड करते. एक तो ये हो गया, दूसरा मैं ये कहूंगा कि x belongs to, वो 2 से छोटा छोटा है, तो x कहां पर lie करता है, minus infinity और 2 के बीच में, तो हम लिख देंगे minus infinity comma 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में lie करता है. minus infinity के बराबर कोई नंबर हो नहीं सकता, और 2 के बराबर ये है नहीं, तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट में लगा दूंगा. उसके बाद इस तरफ कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट के x is an integer. सर ये तीनों पार्ट्स करके दिखाने होंगे क्या? हाँ, तीनों पार्ट्स करके दिखाने हैं, ऑप्शन नहीं है, तीनों करने. उन्होंने बोला कि आप आंसर बताइए. देखो इनइक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हर बच्चा कर देता है. उसके बाद जो सॉल्यूशन लिखना है ना, बस वही है, उसी में आपको रखना है, और वो भी आप देख रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है. तो अब देखो माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 तो रियल नंबर के केस में हो गया. ये जो ब्रैकेट लगाकर लिखा जाता है ये सिर्फ रियल नंबर में लिखा जाता है. ठीक है, फिर आ जाओ एक्स इज एन इंटीजर. तो सेकंड पार्ट में हम बोल रहे हैं कि एक्स इज एन इंटीजर. तो जब इंटीजर है तो क्या होगा, हम लिखेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू, अब लगाओगे कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट हमेशा याद रखिए, कर्ली ब्रैकेट सेट्स में यूज होता है. और कर्ली ब्रैकेट में जब हम सेट्स की बात कर रहे थे तो सेट्स वाले चैप्टर में हमने जितने भी नंबर देखे थे सारे के सारे वो इंटीजर वाले के लिए ही थे. इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रियल नंबर वाला नहीं था. सर वो मुझसे गलती कर दिया था, आई मीन दोस ब्रैकेट्स. क्या
वो कर्ली ब्रैकेट में ही गलती से बोल दिया था मुझे, हाँ, स्मॉल ब्रैकेट से बोलना था। हाँ, 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 वो तो मैं समझ गया, मैं सुन लिया था। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या आया था कि x 2 से छोटा छोटा है, तो आप कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे माइनस इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी भी मत लिखो, आप लिखो डॉट 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 ऐसे, और फिर लिखो माइनस टू माइनस वन जीरो वन, बस, क्योंकि टू से छोटा छोटा है ना, टू से छोटा छोटा है, तो टू से छोटा इंटीजर क्या होगा, टू से जस्ट छोटा इंटीजर वन होगा, फिर वन से जस्ट छोटा क्या होगा जीरो, फिर उससे जस्ट छोटा माइनस वन, फिर उससे जस्ट छोटा माइनस टू, कहां तक डॉट 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 चलता जाएगा, चलता जाएगा, समझ गए। तो ये इंटीजर का केस हो गया, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, केवल 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1। भाई 2 से छोटा, x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटा क्या है, 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो 1 ही है ना, बस और तो कुछ नहीं है। अगर मान लो वो बोल देते कि x इज अ होल नंबर, तो होल नंबर के केस में मैं लिखता x बिलोंग्स टू 0, 1, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा कर। बताइए क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 2। दीपांशी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉरी गलती से इक्वेशंस इन्होंने लिख दिया, इन इक्वेशंस होना चाहिए। Solve the following inequations. लक्ष्य है? लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। अरे ये सैटरडे की क्लास कौन करता है स्कूल की? कोई नहीं करता। No sir, मेरी तो होती है, हर सैटरडे की होती है। तुम करते हो क्या? सर लेता हूँ। अच्छा सर, सुबह दस बजे कौन सी क्लास है, 11 बजे कौन सी क्लास है कल सुबह? सर सबसे पहले तो केमिस्ट्री की होती है। अच्छा, नहीं 11 बजे बताओगे शेड्यूल देख टाइम। सर मैथ्स की होती है 11 बजे सर, या तो मैथ्स की या फिजिक्स की। अच्छा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। Excuse me, sir. तो मैंने ये प्लान कर रखा था कि सुबह 11 बजे आपको 11 से 12 पढ़ाकर फ्री हो जाते हैं हम लोग। हाँ जी बताइए, अंशित कुछ बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था, सर ग्रुप पे किसी ने मैसेज डाला है कि आप आईडी भेज दो। मैं आईडी भेज दूँ? अरे मैंने आईडी भेजी तो है, चलो अभी देखता हूँ। एक मिनट वेट करिए, वीडियो बंद होगी मेरी। सर दिवस ने डाला है। आगे करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है, एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है 3x + 17 is less than equal to 3x + 17 is less than equal to 2 into 1 minus x, 2 into 1 minus x, एक्सपेंड करिए। 3x plus 17 is less than equal to 2 into 1, 2 हो गया, 2 into minus x minus 2x, x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड लानी है, ले आओ उसको इधर, 3x plus 2x is less than equal to 17 को उधर ले जाओ, 2 minus 17, 3x plus 2x कितना हो गया, 5x is less than equal to minus 15, 5 को नीचे ले जाओ, x is less than equal to minus 15 upon 5, 5 1's are 5, 5 3 15, x is less than equal to minus का 3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, x is less than equal to minus का 3। अब आप ये कहोगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर x जो है वो इंटीजर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है? याद रखना, जब तक की मेंशन ना करा जाए तब तक x को आपको रियल नंबर ही मानना है, समझ गए। यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रखा था पार्ट 2 में और पार्ट 3 में कि एक बार x इंटीजर है, एक बार x नेचुरल नंबर है, स्पेशली मेंशन कर रखा था ना, तो इस वजह से हमने बोल दिया कि हाँ यहाँ पर हमने इंटीजर और नेचुरल नंबर की तरह करा सॉल्व, लेकिन जब तक मेंशन ना करा जाए तब तक वो रियल नंबर ही है। ठीक है, रियल नंबर ही ट्रीट करना।
अब इसका एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इधर जीरो, इधर होगा माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा छोटा माइनस थ्री पर एक बबल बनाइए और इससे छोटा छोटा वाला, इससे पीछे वाला जो एरिया है वो शेड कर दो। ये शेड कर दिया हमने, शेड करने के बाद में फिर मैं देखूंगा अरे यहाँ तो इक्वालिटी साइन पे लगा हुआ है तो आप माइनस थ्री को भी शेड कर देंगे, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा मैं इसको बोलूंगा कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री के बीच में लाई करता है, एक्स माइनस इंफिनिटी माइनस थ्री, जहां पर माइनस इंफिनिटी के बराबर कोई नंबर नहीं हो सकता तो स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन माइनस थ्री के बराबर ये है तो स्क्वायर ब्रैकेट। सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ एग्जांपल नंबर थ्री का, सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, जो साइन रिवर्स होने वाला है देवजी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, कोई एग्जांपल आएगा बताऊंगा अभी। अगला देखते हैं, चलो जी अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जांपल नंबर थ्री का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में दे रखा है हमको टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री, 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than equal to 6 into x minus 2. 6 into x minus 2. ये क्वेश्चन है, सभी को दिखाई दे रहा है ना? एक्सपेंड करेंगे 2 2s are 4x plus 2 3s are 6. फिर ये आ गया minus 10 is less than equal to 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x. 6 into minus 2 करेंगे तो ये हो गया माइनस का 12। अब क्या करो, इस 6x को ले आओ उधर, मुझे क्या करना है, मुझे तो जो x वाली टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है बस। ये हो गया 4x और इसको 6x को इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का 6x less than equal to, इधर है माइनस 12, ये 10 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10, ये 6 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 6। 4x में से 6x सब्ट्रैक्ट करा तो हो गया माइनस 2x is less than equal to minus 12 और minus 6 हो गया minus 18, minus 18 plus 10 कितना हो गया minus का 8। अब याद रखिएगा इधर भी negative इधर भी negative, काटते नहीं है, और इधर negative हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये x वाला term जो है ये negative नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे changing the sign throughout, ठीक है। तो देवशी जो तुम अभी पूछ रहे थे sign reverse करने वाला, वो यही example है। मैं इसमें लिखूंगा changing the sign throughout, और मुझे ये साइन चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये साइन चेंज करने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि यहां पर जो एक्स वाला टर्म है वो नेगेटिव है, मुझे एक्स वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो जब इसको जब हमने चेंज करा तो माइनस टू एक्स का बन गया प्लस का 2x, और ये लेस देन इक्वल टू का बन गया चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस 8 का बन गया प्लस 8। अब इस 2 को इधर ले जाइए तो x is greater than equal to 8 upon 2, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हमारे पास आ गया x is greater than equal to 4, x जो है वो 4 से बड़ा आ गया, greater than या equal to। फिर हम क्या कहेंगे, इसको नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करना है, लाइन को रिप्रेजेंट करिए, इधर आ गया प्लस का इंफिनिटी, इधर आ गया माइनस का इंफिनिटी, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया फोर, फोर पर एक बबल बना लो, एक्स क्या है फोर से बड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसको मैंने शेड कर दिया ऐसे, लेकिन इसमें तो फोर भी शामिल है ना, तो फोर को आप इस तरीके से पूरे बबल को भी आप शेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहूंगा, ये करने के बाद में मैं बोलूंगा इसको x belongs to x कहां पर लाई करता है, 4 और infinity के बीच में, तो 4 comma infinity, infinity पर लगाएंगे small bracket because x cannot be equal to infinity, लेकिन 4 के तो equal है ना, तो 4 पर लगाएंगे
स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट फोर कॉमा इंफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारा एग्जांपल नंबर थ्री हुआ। थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ना एक ही क्लियर रखना है, एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फोर। हाँ जी बताइए सर, आप एक बार ये ब्रैकेट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट पार्ट। अच्छा ये ब्रैकेट वाला फिर से बताता हूँ, हमने ये नंबर लाइन बनाई तो ये नंबर लाइन वाला क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब वो 4 से बड़ा बड़ा होगा लेकिन 4 के इक्वल भी है तो इसलिए इसको डार्क कर दिया। तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? 4 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, तो मैंने लिख दिया 4 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, मैंने लिख दिया 4 कॉमा इंफिनिटी बिकॉज एक्स लाइज बिटवीन 4 एंड इंफिनिटी, इसलिए ऐसे लिख देते हैं 4 कॉमा इंफिनिटी। अब इंफिनिटी के बराबर कोई नंबर नहीं हो सकता तो इंफिनिटी पर मैं लगा दूंगा स्मॉल ब्रैकेट, और ये 4 के इक्वल भी हो सकता है तो 4 पर मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल सेम कहानी यहां पर थी, आप ये देखिएगा कि नंबर लाइन मैंने बनाई तो x -3 से छोटा छोटा है और उसके इक्वल भी है, तो x कहां पर लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 के बीच में। तो जैसे यहां 4 और इंफिनिटी के बीच में लाई करता तो मैंने 4 कॉमा इंफिनिटी लिख दिया, अब माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 के बीच में लाई करेगा तो मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 3। अगेन कोई नंबर माइनस इंफिनिटी के भी बराबर नहीं हो सकता तो स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन माइनस 3 के तो इक्वल है ना, तो इसलिए यहाँ आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। इसी चीज को दोबारा समझने के लिए और देख लो, यहाँ पर देखा था x is less than 2, तो नंबर लाइन बनाई तो बिकॉज वो 2 से छोटा छोटा है तो मैंने 2 को डार्क नहीं करा, मैंने 2 को डार्क नहीं करा, यहाँ पर वो 3 माइनस 3 के इक्वल भी था तो माइनस 3 को डार्क कर दिया, यहाँ पर वो 4 के इक्वल भी था तो 4 को डार्क कर दिया, लेकिन यहाँ वो 2 के इक्वल नहीं है, इक्वालिटी साइन नहीं लगा हुआ, ठीक, तो इसलिए 2 को मैंने डार्क नहीं करा। तो अब मेरा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस इंफिनिटी से 2 तक, तो माइनस इंफिनिटी के बराबर तो कोई नंबर नहीं हो सकता तो स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन 2 के भी तो इक्वल नहीं है, तो जब 2 के भी इक्वल नहीं है तो 2 पर भी स्मॉल ब्रैकेट। समझ गए? यस सर। तो जब भी कभी किसी नंबर के इक्वल हो जाता है तो हाँ दिवस बताओ सर, अगर हमारे पास ब्रैकेट प्रेजेंट करेंगे। दिवस आवाज ना तुम्हारी कट के आती, मुझे समझ में नहीं आता, दोबारा बोलो या लिख कर भेज दो। टाइप करके भेज दो, नहीं आ रहा समझ में। अब जरा देखते हैं, अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया है तो मैं एग्जांपल नंबर 4 करता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ जी बस, एक्स एज अ फ्रैक्शन, रुक जाओ अभी आ रहा हूँ, उन क्वेश्चंस पर भी आ रहा हूँ। अगर फ्रैक्शन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आ रहा हूँ उन क्वेश्चंस पर। ये करा था हमने, नहीं ये वाला करा था ना, एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 9 plus 9 is greater than equal to 3 plus 4x upon 3,
3 plus 4x upon 3, x वाली टर्म कौन कौन सी है बस इतना बताओ, एक तो ये है 2x minus 3 upon 4, तो इसको क्या करो, इसको लिखो 2x upon 4 minus 3 upon 4, सही है, कर सकते हो वैसे स्प्लिट, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद ये प्लस 9 है, उसके बाद देख दिया प्लस 9 is greater than equal to 3 plus 4x upon 3. अब देखो x वाली टर्म है 2x upon 4 और 4x upon 3. क्या करो इसको सॉल्व करो, 2 1 2 2 2 4 x by 2 रह गया, तो ये हो गया x by 2 और 4x by 3 को इधर ले आओ minus 4x by 3, बस मेरा काम हो गया, x की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, बाकी जितनी भी टर्म्स है सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो greater than equal to ये 3 है, ये plus 9 है उधर ले जाओ minus 9, ये माइनस 3 बाई 4 उधर ले जाओ प्लस का 3 बाई 4, इसको सॉल्व करें 2 और 3 का एलसीएम आएगा बेटा 6, लिख दीजिए 6, 2 3 जा 6, 3 into x 3x, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस 8x, less than equal to 3 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 6 प्लस 3 बाई 4, एलसीएम लिया तो नीचे इधर 1 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम 4, 3x minus 8x कितना हो गया? Minus 5x upon 6. Greater than equal to 1 or 4 का LCM कितना हो गया? 4, 1 4 जा 4, 4 6 जा. Minus 24. ठीक है? और उसके बाद, ये आ गया plus का 3. It implies that minus 5x upon 6 is greater than equal to minus 24 plus 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 21 अपॉन 4, ठीक है? अब जरा देखिएगा, बाकी के जो टर्म्स x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो देखे जाएंगे, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इस नेगेटिव को हटाना है, तो नेगेटिव को कैसे हटाएंगे, चेंजिंग का साइन थ्रू आउट, चेंजिंग द साइन थ्रू आउट, याद रखिएगा साइन को बिना मतलब चेंज मत करना, ठीक है सर? हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, कहाँ से बताऊँ, शुरू से? यस सर, शुरू से देखो, जैसे ये 2x minus 3 upon 4 था, तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो ये हो गया 2x upon 4 अलग और माइनस का 3 upon 4 अलग और प्लस 9 अलग, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x by 3, ये हो गया। उसके बाद देखो ये 2x upon 4 है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया x upon 2, फिर मैंने क्या करा, जो x वाली टर्म्स है, तो हमारा तरीका ये है कि x वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाकर रख देते हैं, तो इधर तो बचा था बेटा x वाला x upon 2 और इधर था प्लस का 4x by 3, इसको इधर ले आया तो minus 4x by 3 हो गया, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं सबको राइट हैंड साइड ले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू बीच में है ही, तो ये 3 है प्लस 9 को इधर ले गए माइनस 9, माइनस 3 बाई 4 को इधर ले गए प्लस का 3 बाई 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6, 2 3 जा 6, 3 into x 3x, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, minus 8x, greater than equal to 3 minus 9 क्या हो गया minus 6, minus 6 को लिख दूंगा minus 6 upon 1 और plus 3 by 4 था, यहाँ तक clear है? Yes sir. उसके बाद देखो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 4 जा 4 and 4 6 जा 24 with a minus sign, तो minus 24, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, तो minus 24 plus 3 upon 4, minus 5x by 6 is greater than equal to minus 21 by 4, इतना clear? Yes sir, yes sir, yes sir. अब दोनों तरफ आप देखिए negative sign आ गए, right hand side पर negative sign आ जाए मुझे कोई problem नहीं है, लेकिन x वाली term के साथ negative sign नहीं आना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है ठीक, नहीं आएगा, इसको हटाएंगे changing का sign throughout, तो ये क्या हो गया 5x upon 6, ये negative था ये positive हो गया, ये greater than equal to था less than equal to हो गया, ये negative था ये भी positive हो गया 21 by 4। उसके बाद अगला काम मुझे करना है, इस तरफ कर रहा हूँ, अगला काम क्या करना है, मुझे x की value निकालनी है, तो x के साथ जो भी left hand side में multiply हो रहा है वो उधर जाकर divide, और जो यहाँ पर divide हो रहा है वो उधर जाकर multiply, खत्म। एक चीज बता रहा हूँ सभी बच्चे ना बिल्कुल ढंग से ना याद रखना इस चीज को, सारे के सारे फंस जाओगे नहीं तो, जैसे ये आ गया ना इसके बाद में दिस इनटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना,
जो तरीका बताता जा रहा हूँ वही तरीका याद रखना, इक्वेशन वाले फंडे को इक्वेशन के पास ही रहने दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना कर दे कोई भी बच्चा, सब गड़बड़ कर बैठोगे नहीं तो। तो आपको क्या करना है, ये आपका आपका ग्रेटर देन इक्वल टू था क्योंकि एक्स वाला टर्म नेगेटिव है इसलिए मैंने साइन चेंज करा, ठीक, तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ऑब्वियसली इसका भी साइन चेंज। फिर इधर क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये 6 तो हो जाएगा 21 के साथ मल्टीप्लाई, 21 बाई 4 तो एज इज है, एक्स को उधर ही छोड़ो, 6 यहां डिवाइड हो रहा है यहां जाकर मल्टीप्लाई, 21 इंटू 6 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाकर डिवाइड अपॉन में 5, कोई भी टर्म किसी से कट नहीं रहा है यहां पर, क्या करेंगे, x is less than equal to 126 upon 20, ठीक है, 2 10s are 20, 2 6s are 12 और 2 3s are 6, 63 upon 10, x is less than equal to 63 upon 10, ठीक है, तो x जो है वो 63 upon 10 से छोटा आ गया या उसके बराबर आ गया, क्या करेंगे, और 9 बनाएंगे, यहाँ हो गया प्लस का इंफिनिटी, यहाँ हो गया माइनस का इंफिनिटी, इधर हो गया 0, 63 upon 10 क्या होता है, 6.3 होता है, यानी कि इधर लाई करेगा पॉजिटिव है, यही लाई करेगा 0 से, यहाँ दिखा दो 63 upon 10, और फिर 63 upon 10 से छोटा छोटा है x, यहाँ बदल बनाओ, यहाँ से इंफिनिटी तक का रीजन जो है वो आप शेयर कर दीजिए, आ गया समझ में, बताओ बोलो भाई समझ में आ गया, यस सर, क्योंकि वो इक्वल भी है 63 के तो इसको भी शेयर करेंगे, हाँ जी बताइए सर, ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला किया है ऊपर एक बार वाला बता दो, भी दोबारा अभी दोबारा बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर था, 5x upon 6 is less than equal to 21 by 4, यहाँ तक क्लियर था, यस सर, x को लेफ्ट साइड से हटा मत देना, x को लेफ्ट साइड पर ही रखना है, x को यहाँ चिपकाए रखो, ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो यहाँ जाकर डिवाइड, बस इतना, तो क्या आ गया 21 into 6 upon 4 into 5, x को यहाँ से मत हिलाना, समझ गए, यस सर, चलिए जी इसके बाद में क्या देखूंगा, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 63 अपॉन 10 क्योंकि इक्वल है, इसको शेयर भी कर दिया, तो कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से 63 अपॉन 10, माइनस इंफिनिटी कॉमा 63 अपॉन 10, माइनस इंफिनिटी के बराबर तो वो हो नहीं सकता कोई भी नंबर, तो इसलिए उस पर लगा दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट, 63 अपॉन 10 के इक्वल है तो यहां लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर, यस सर, सभी को समझ में आ गया, यस सर, हम इसको 6.3 भी तो करके कर सकते हैं, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 6.3 भी कर सकते हो, देवा समझ में आ गया, फ्रैक्शन वाला पूछ रहे थे, यस सर, चलो जी तो अभी के लिए इतना करिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके भेजूंगा वो आप लोग करिएगा, और कल आपकी फिर वही शाम को 4 बजे क्लास रखते हैं, ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, ओके।